हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय स्टडी सेंटर। तो आज गोटे नुआ चैप्टर आरंभ करिबा जोटा होचे ओडिया लिपि रो उत्पत्ति एवं विकास जोटा कि रहउचे ताको आमे आलोचना करिबा। ओडिया लिपि रो उत्पत्ति कि परि हला तार विकास धारा कि परि रहिचे ताको आमे आलोचना करिबा। त प्रथमे आमे देखिबा लिपि कोन। लिपि प्रथमे जोटा रहउचे लिपि कोन एवं एरा जो विभिन्न पर्याय विकास रो पर्याय क्रम विकास रो जो पर्याय रहिछि विभिन्न शताब्दी रे विभिन्न समय रे किपरि ओडिया लिपि विकसित होइतिला। तो जदि आमे लिपि कहबो कहे तो उच्चारित ध्वनि को लिखित रूप देबा होछे लिपि। जहां आमे उच्चारण करिछु ताहा को आमे जते बेले लिखित हो ता होछि लिपि। कहा जाए संस्कृत में कहा जाए लिप्यते इति ही लिपि अर्थात जहाँ लेखा बा रेखा माध्यम रे लेखा जाए ताकू कहा जाए लिपि। तो रेखा बा लेखा माध्यम रे जहाँ को प्रकाश करा जाए परे ताहा होछि लिपि। तो यहाँ कौन होते ना लिपि कौन अनंत काल पर्यंत अक्षय अटे तेणु यह अक्षर बोली मध्य कहा जाए जोटा कि क्षय हुए नहीं। तो यार अन्य नाम होची अक्षर। पुणी क्षर शब्दर अर्थ होची नाशशील। क्षर शब्दर अर्थ नाशशील। अक्षर शब्दर होची अविनाशी बा नाश रहित। तो कहीं कि यह को वर्ण बोली मध्य कही थी अक्षर को कहीं कि बा लिपि को कहीं कि वर्ण बोली मध्य कही थी। सुतरां जदि आम देखा लिपि अक्षर वर्ण समस्त होची एक समपर्यायवाची शब्द। तो ये जो ओडिया लिपि रो विकास धारा रही ये ओडिया लिपि रो उत्पत्ति एवं क्रम विकास रही तार जदि आम आलोचना करिबा ताहले ओडिया जो लिपि जोटा रोचे सेटा को जिते बेले आम आलोचना करिबा किपरि ओडिया लिपि प्रारंभ रु आरंभ होकरी ताहा धीरे धीरे वेगवान होइछि। तो जो मैंने ओडिया लिपि उपरे पुस्तक रो आवश्यकता करिछन्ते गोटे पुस्तक हूँ ओडिया भाषा तत्व लिपिर विकास जोटा ओडिशा राज्य पाठ्यपुस्तक प्रणयन और प्रकाशन संस्था द्वारा प्रकाशित ये लिपि उपरे पर्याप्त वर्णना रही देखिपारे। सहित जदि ओडिया भाषार उन्मेष विकास गोटे पुस्तक रही वासुदेव साहूंकर से ओडिया लिपि विकास रही सत्यनारायण राजगुरु रही लिपि क्रम विकास गोटे पुस्तक से पुस्तक को आपण मैंने पढ़ीपरिवे जोटा कि ओडिया लिपि विषय कहा जाए ओडिया लिपिर वर्णना दि जाए। तो से सब पुस्तक गुड़ी आपण मैंने पढ़ी ओडिया लिपि विषय जाणीपरि मुझे अति संक्षिप्त रूप से ओडिया लिपिर जो विकास धारा रही आलोचना करने चेष्टा करी जहाँ मुझी जहाँ मोर अभिज्ञता अच्छी से अभिज्ञता को आपण मान निकट में सेयार करने मुझे जगह आस। तो प्रथमे जो ओडिया लिपि जोटा कौचु यार जो प्रथम पर्याय जी आम देखा प्राचीन ब्राह्मी लिपि जोटा रोचे प्राचीन ब्राह्मी लिपि प्रथमे ओडिया लिपि जो विकास धारा रही ओडिया लिपि जो विकास पर्याय रही प्रथम प्राचीन ब्राह्मी लिपि आसवि यार जी देखा यह ख्रीष्टपूर्व पंचम शताब्दी रु ख्रीष्टपूर्व द्वितीय शताब्दी यार समय सीमा हूँ ख्रीष्टपूर्व पंचम शताब्दी ख्रीष्टपूर्व द्वितीय शताब्दी जोटा कि प्राचीन ब्राह्मी लिपि कथा कह। तो ओडिया भाषार उत्पत्ति इतिहास जिते बिल्कुल अनुसंधान करुचु ओडिया लिपि जिते बिल विकास धारा को आम अनुसंधान करुचु से ब्राह्मी लिपि कथा आम अनुमान करिबा आवश्यक अटे जेहेतु प्राचीन ब्राह्मी लिपि निकट को जीवा अत्यंत जरूरी अटे कारण सर्वप्रथमे यही प्राचीन ब्राह्मी लिपि बा ब्राह्मी लिपि रे पाठ्यपुस्तक गुड़ाक रचित होता जेपर आम देखा पाणिनि जो अष्टाध्यायी व्याकरण पतंजलि महाभाष्य यास्कर निरुक्ति जो शब्दकोश रही ये सब से ब्राह्मी लिपि लेखा जाता। तो से ओडिया लिपि आरंभ होता कथा केशोकर कथा जिते बिल जानी अशोक जो सम्राट
ରକ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧୌଲି ଏବଂ ଯୌଗଡ଼ ଯେଉଁ ଅନୁଶାସନ ରହିଥିଲା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତାପରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଏହି ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ତାହାକୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଲିପି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜାମାନେ ଏହି ଲିପିକୁ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏହାକୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଲିପି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି ଲିପିର କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହି ଲିପିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏନି। ତ ସେଇ ଲିପି ଗୁଡ଼ାକରେ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁର ବ୍ୟବହାର ହୁଏନି ଉପରେ କିମ୍ବା ତଳେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏହି ଲିପି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏବଂ ପରିମାର୍ଜିତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ଏବଂ ସମୟ ଅନୁକ୍ରମେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରିଛି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଆମେ କହିଲା ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି କଥା। ତାପରେ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଯେଉଁଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ତାକୁ ଏହାକୁ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା, ଏହା ଯେତେବେଳେ କୁଶାଣ ରାଜାମାନଙ୍କର ସମୟରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ତ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଆହୁରି ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କୁଶାଣ କାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି କାଳୀନ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି କୁଶାଣ କାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଅଞ୍ଚଳ ଭେଦରେ କାଳକ୍ରମେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବା ପରିମାର୍ଜିତ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିମାର୍ଜିତ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ତ ଏହି ଲିପି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା କୁଶାଣ ବା କନିଷ୍କ ରାଜାମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଏହି ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଥିଲା କନିଷ୍କ ରାଜା ବା କୁଶାଣ ରାଜାମାନେ, ତ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଲିପିର ଯେହେତୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତ ସେହି ଲିପିକୁ କୁଶାଣକାଳୀନ ଲିପି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ବା କୁଶାଣକାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ଏହା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭଦ୍ରକରୁ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜାଗଡ଼ଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଖୋଦାହିତ ଶିଳାଲେଖରେ ଏହି ଲିପିର ରୂପରେଖ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତାପରେ ଏହି ଲିପିର ବିଶେଷତ୍ଵ ହେଉଛି ଏହି ଲିପିରେ ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ ବିନ୍ଦୁ ବା ଚୁଲ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ଵ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ସେଇ ଲିପିର ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ ଚୁଲ ବା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ ତାର ଚୁଳ ବା ତାର ବିନ୍ଦୁର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତ ଏଇ ଚୁଳ କେତେବେଳେ ତ୍ରିକୋଣାକାର କେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଭୁଜ କୋଣାକାର ବା କେତେବେଳେ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ତ ଏହି ଲିପି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଖାରବେଲଙ୍କର ହାତୀଗୁମ୍ଫାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତ ଏହି ଲିପି ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ବା ଏହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ତାହା ଖାରବେଲଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ଏହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତ ସମ୍ଭବତଃ ତାହା ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ତତ୍କାଳୀନ ରୂପ। ତ ସେଇ ଲିପି ହିଁ ଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ରୂପରେଖ। ତାପରେ ସୈନ୍ଧବ ଲିପି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଚୀନ ଲିପି ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ। ତାପରେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ରହିଥିଲା ସେସବୁରେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତକାଳୀନ ଲିପି ତୃତୀୟ ଭାଗ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଗୁପ୍ତକାଳୀନ ଲିପି ଯେଉଁଟାକି ଗୁପ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଯେଉଁଟାକି ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ଏହାର ସମୟ ସୀମା। ତ ଗୁପ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରେ ତ ଗୁପ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଏହି ଲିପି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତକାଳୀନ ଲିପି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତାର ନାମକରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ନା, ଗୁପ୍ତ
राजा मैंने जोटा रही थे सही राजा मान समय जेहेतु ये लिपिर प्रवर्तन रही है तेणु एक गुप्तकालीन लिपि बोली कहुला तो ये लिपि को दुई भाग विभक्त कर गोटे प्राच्य एवं प्रतीच्य जोटा हूँ गोटे हूँ प्राच्य आ गोटे हूँ प्रतीच्य प्रकार दुईटी भाग में यह विभक्तिकरण कर तो गोटे जोटा कि प्राच्य एवं प्रतीच्य दुई भाग में जेहेतु यह लिपिर व्यवहार विभक्तिकरण करते गुड लिपि व्यवहृत हो जो गुड़िक आधुनिक वर्णमाल आम देखा पाई तो ये जो व्यवहृत होता कतेक अक्षर व लिपि जोटा कि प्राचीन वर्णमाल गुड़िक देखा पाई तो सी जो प्राचीन वर्णमाल जोटा रही आधुनिक वर्णमाला सरी मुझे प्राचीन कह दे आधुनिक वर्णमाला तो यही समय जो गुड़ाक के अक्षर व लिपि व्यवहृत हो जहाँ आधुनिक वर्णमाला गुड़ाक देखा मिली थे तो से शब्द गुड़िक कौन तो आधुनिक वर्णमाल लिखा जा खपर गपर थपर तालव्य सण ये सब अक्षर गुड़ाक से ही समय व्यवहृत लिखा जाता जोटा कि बर्तमान आधुनिक वर्णमाला गुड़िक अक्षर गुड़ाक देखा मिली थे तो यार जब हमें उदाहरण देखा जो क्यों क्यों जगार यही जो गुप्तकालीन लिपिर व्यवहार देखा मिलता कलाहांडी प्राप्त जोटा कि महाराजा तुष्टिकरंकर ताम्रपत्र जोटा कि चतुर्दश शताब्दी समय सीमार आम देखा पाई तापर धर्मराजर सुमंडल धर्मराज सुमंडल जो ताम्र शासन जोटा रही षष्ठ शताब्दी ए सब विषय मुझे भाषा क्रम विकास आलोचना करपर महाराजा शंभु शंभुजास जोटा रही सोर ताम्र शासन से आम देखा पाई तापर लोक विग्रह जो कणास ताम्र शासन कथा रही जोटा षष्ठ शताब्दी समय सीमा मध्य शिवराज जो पटिया ताम्र शासन जोटा कि सप्तम शताब्दी समय बेलू आसपे माधव वर्मा गंजाम ताम्र शासन जोटा कि सप्तम शताब्दी तो यहपर समय ये गुप्तकालीन लिपिर व्यवहार आम देखा पाई परवर्त पर्यायर कलिंग लिपि परवर्त लिपि जोटा रोच कलिंग लिपि जोटा आसूरी कलिंग लिपि कथा देखु जोटा कि सप्तम शताब्दी एकादश शताब्दी पर्यंत प्रलंबित रोच कलिंग कलिंग लिपि जोटा रोच ख्रीष्टाब्द सप्तम शताब्दी सप्तम शताब्दी यहाँ प्रलंबित रोच ख्रीष्टाब्द एगारश जोटा कि एगारश शताब्दी तो ये कलिंग लिपि जोटा रोच समय सीमा जब देखा ख्रीष्टाब्द सप्तम शताब्दी एगारश शताब्दी पर्यंत प्रलंबित तो यही समय कौन होता ना ओडिशा विभिन्न राजवंश नृपति राजा मैंने राजत्व करुले शासन करुवा कथा देखा पाई तो से समय तो सी राजवंश गुड़िक क्यों क्यों राजवंश से समय शासन कर विषय जब देखा जोटा कि भंज तुंग विग्रह हैम शैलभव गंग प्रभृति राजवंश गुड़ाक से समय शासन करुले तो यही राजवंशर नृपति मैंने कौन होता ना विभिन्न शिलालेख गुड़िकर अनुशासन गुड़िक लिखी जाइंट तांकर जो शिलालेख गुड़ाक रही विभिन्न शिलालेख समय जो अनुशासन रही लिखिंट तो से गुड़िक अनुध्यान कले जना जे से गुड़िक भारतवर्ष प्रचलित था तो से ही समय प्रचलित थोड़ा कथा आम अनुध्यान करेतुता लेखा गुड़िक देखा तो ये लिपि गुड़िक जोटा कि मागधी गौड़ी लिपि बोली कहुए तो ये लिपि गुड़िक शीर्ष भाग में कीलक कंटक पेटिका सिद्ध मातृका प्रभृति चिन्ह व्यवहृत होता तो ये सब चिन्ह गुड़ाक रही था विभिन्न चिन्ह तो युड़क यथाक्रमे जोटा कि जेहेतु ये सब चिन्ह व्यवहृत होता कौन कहुला ना कीलक शीर्षक लिपि सिद्ध मातृका लिपि पेटिका शीर्षक लिपि सूक्ष्मकोणी लिपि बोली कहुला तो ये लिपि गुड़िक क्रमश कौन होता ना सरल रु कठिन रूप व कुटिल रूप धारण करुटिल लिपि बोली कहुला जेहेतु सरल रु कुटिल कठिन रूप को धारण करुटिल लिपि बोली कहुला तो ये लिपि को कुटिल लिपि कह
तात्पर्य रही आम आसुचु यही कलिंग व कुटिल लिपि दुई भाग के कहुला जो कुटिल यार कलिंग लिपि जो रही कुटिल दुई भाग रे विभक्त करा जितला कुटिल लिपि को दुई भाग रे जोटा विभक्त करा जितला तो ये दुई भाग रे विभक्त करा जितला जोटा कि उत्तर भारतीय गोटे थिला उत्तर भारतीय प्रभावित कुटिल लिपि जोटा थिला उत्तर भारतीय प्रभावित कुटिल लिपि तापरे द्वितीय थिला दक्षिण भारतीय जोटा कि दक्षिण भारतीय प्रभावित कुटिल लिपि इस प्रकार भाव यह दुई भाग में विभक्त कर तो उत्तर भारतीय लिपि प्रभावित बा उत्तर भारत रे प्रभावित कुटिल लिपि उत्तर भारत उत्तर पूर्व और पश्चिम रे प्रचलित थिला जोटा रही उत्तर भारतीय लिपि जोटा प्रभावित रही से कौन कौन थी ना उत्तर पूर्व एवं पश्चिमांचल यार प्रभाव देखा मिलता है दक्षिण भारतीय लिपि ओडिशार दक्षिणांचल प्रचलित होता जोटा कि लिपिर दृष्टांत जब देखा जामे महासामंत माधव वर्मा गज्जाम ताम्रलेख माधव राजा खोर्धा ताम्रलेख तापर शुभंकर जोटा निउलापुर अभिलेख तापर दांडी महादेव दुईटी दानपात्र विद्याधर भंजकर सुनंद प्रभृति लक्ष्य कर तो यह सब गुड़िक देखा पाई एतद व्यतीत जदि आम देखा जाइए सोमवंशी राजा मानकर अभिलेख जोटा रही चोड़गंगदेव द्वितीय चोड़गंगदेव द्वितीय अनंग भीमदेव तापर द्वितीय महाभव गुप्त संबलपुर कुंदपल्ली फलक इत्यादि यही कलिंग लिपि कुटिल लिपिर व्यवहार होता आम देखा पाई कुटिल लिपि कलिंग लिपिर व्यवहार से समय आम देखा पाई परिशेष जो आते गुड़िक रोचे से आसूरी आम पंचम प्रत्न ओडिया लिपि पंचम भाग रे जोटा रही प्रत्न ओडिया लिपि पंचम रही प्रत्न ओडिया लिपि जार समय सीमा जदि आम देखा जीवा यार पंचम जोटा समय सीमा रोचे जहाँ कि पंद्रह एकादश शताब्दी रु जोटा रोचे चौदश शताब्दी पर्यंत तो ये कौन होता ना ये लिपि को भाषाविद ब्यूलर साहब ब्यूलर जोटे कि भाषाविद साहब जे प्रत्न बंगीय लिपि बोली कही जोटा कि प्रत्न बंगीय लिपि बोली तो समय बंगीय लिपि जोटा रही जोटा कि आसामी लिपि और ओडिया लिपि मध्य अनेक सामंजस्य लक्ष्य करा जाए जो बंगीय लिपि रही से आसामी एवं ओडिया लिपि मध्य अनेक गुड़े सामंजस्य लक्ष्य करा जाता कथा आम देखा पाई तो ये लिपि गुड़ी बुइलर प्रत्न बंगीय लिपि जोटा कि प्रोटो बेंगली लिपि गुड़ी बुइलर बोली प्रमाण कर तेब यह प्रत्न ओडिया लिपि भाव अभिहित करें जदि आम देखा ताको प्रत्न ओडिया अभिलिपि भाव अभिहित करें जदि आम देखा यही लिपि आधुनिक बंगीय लिपिर जपरी पूर्वावस्था आधुनिक ओडिया लिपिर से हीपरी पूर्वावस्था तेणु यह प्रत्न ओडिया लिपि कहवे कौन सी असंगत ना प्रत्न ओडिया लिपि कहीं तर प्रथम कारण तर द्वितीय रोच लिपि को आलबुरुणी गौड़ी लिपि बोली अभिहित करिसेंती आलबुरुणी जोटा रही को गौड़ी लिपि बोली अभिहित करिसेंती तापर डॉक्टर जोटा कि दिनेश चंद्र सरकार मध्य ए लिपि को गौड़ी लिपि बोली कहिसेंती किंतु डॉक्टर कुंज बिहारी त्रिपाठी ए लिपि को कोन कहिसेंती मागधी लिपि कहिबा अधिक समाचीन बोली से मत देइसेंती तापर पूर्वी मागधी भाषा रु जेपरी ओडिया बंगला आसामी मैथिली भोजपुरी मागधी प्रकृति भाषार उत्पत्ति घटी आज पूर्वी मागधी लिपि से हीपरी आम जब देखा जाइए बंगला ओडिया आसामी मैथिली भोजपुरी मगधी प्रकृति लिपि
उद्भव घटी कथ जाणी तापर मनमोहन चक्रवर्ती मतानुसार जयपाल देवंकर जोटा कि बालेश्वर जिला इर्दाफलक जोटा रही सर्वप्रथम प्रत्नभंगीय वर्णमाला व्यवहत हो जगह आम देखा पाई डॉक्टर श्याम सत्यनारायण राजगुरु मतरे जदि स्वर निकटस्थ जो गंडीबेड़ प्राप्त बौद्ध प्रतिमार पादेश लिखित दुई धाड़ी जो सर्वप्रथम प्रत्न ओडिया लिपि व्यवहत होतद व्यतीत वज्रहस्त देवी जो ताम्र शासन ये लिपिर निदर्शन आम स्थल देखा पाई डॉक्टर कुंज विहारी त्रिपाठी मतरे जदि देखा आंध्र प्रदेश जो चिकाकोल जोटा शिलालेख रु जो आविष्कृत अनंत वर्मा शिलालेख तापर जदि आम देखा प्रत्न ओडिया एवं परवर्ती कलिंग लिपिर मिश्रण देखा मिलता जोटा कि 1951 मसीहा बेलू देखा पाई जोटा कि यद व्यतीत जदि आम अनंत वर्मा चोड़गंगदेव ताम्रशासन चतुर्थ नृसिंहदेव तिमाली मठ ताम्रशासन तापर भुवनेश्वर प्राप्त नरसिंहदेव तामिल एवं ओडिया द्विभाषिक शिलालेख तापर सोनपुर प्राप्त भानुदेव शिलालेख प्रभृति यही लिपिर व्यवहार आम देखा पाई तो यह लिपि अनेक गुड़े ओडिया शब्दर व्यवहार आम देखा पाई जोटा कि उत्तर भारतीय लिपि और दक्षिण भारतीय लिपिर समन्वय से जगह घटी कथ कह तो कौन कौन देखा पाई थे अ आ हर्षी दीर्घ हर्षौ दीर्घ इ औ ओ औ क ख ग तापर झ ठ थ ध म ज र ल ब तालव्यस मूर्धन्यस एवं ह एसबू वर्ण गुड़िकर व्यवहार आम से जगह देखा पाई तो आज ये आलोचना करवा परवर्ती पर्यायर आउ जहाँ बाकी रही आलोचना करवा समस्त को धन्यवाद आज आलोचना ये समाप्त कला।